व्यूअर्स, फिश को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसको हाथ की मदद से, अगर आपको उसमें कांटे नज़र आ जाए तो उसको भी साथ साथ निकाल लीजिएगा। इसे आपने चॉपर में नहीं चॉप करना, इसे हाथ की मदद से ही आपने इसको मसल देना। अब इसके अंदर हम आलू को डालेंगे ग्रेट करके, जो हमने आलू बॉईल किया हुआ था वो डालेंगे और बाकी के मसाले डालेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैंने ये सारी फिश को मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम आलू मैश करके डालेंगे। बस ये देखें, अब इसके अंदर मैश किए हुए आलू भी हम डाल देंगे। ये सारे आलू इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। ये मैंने प्याज बारीक चॉप कर लिए थे, ये मैंने प्याज डाले और एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और ये हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब बाकी हम मसाले डालते हैं। अभी वह शुरू करते हैं। अब इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से आपने नमक डालना है। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और मैंने ये गरम मसाला पाउडर ये भी 1 टीस्पून मैंने लिया है और इसके अंदर मैं ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाला मैंने और इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून और ये मैंने लिया है कुटी मिर्च ली है मैंने, ये भी 1/2 टीस्पून लिया है और इसके अंदर एक लेमन जूस ऐड करेंगे। ये इसके अंदर एक लेमन जूस ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने फिश के कांटे और स्किन दोनों उतार दी थी। आपको अगर स्किन पसंद है तो आप स्किन समेत ही मैश कर लें। और व्यूअर्स, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी डाली है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं अजवाइन ऐड करूंगी और इसके अंदर मैं हाथ से अच्छे से आपने मसल के ये अजवाइन डाल देना 1/2 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। अब ये खाएंगे ना कटलेट्स कबाब कुफ्ती तो आप गोश्त के कटलेट्स भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये। अब आपको नमक कम लगे तो फिर आप थोड़ा और ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स करना है कि इसके रेशे बन जाए और आलू और फिश अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने कमेंट्स दें मुझे। ये देखें व्यूअर्स, ये हो चुके हैं। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स चलें अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अंडा लिया मैंने, इसे हम फेंट लेंगे। अब ये कबाब बनाएंगे इसके, जो सा शेप आपने बनाना है।
बच्चे मछली शौक से नहीं खाते, आप ये बना के बच्चों को खिलाएं, वो शौक से खाएंगे। इसमें आप कोई भी शेप दे लें। बच्चों के लिए कोई से भी शेप बना के आप उसे दें, ये यकीनन पसंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। बस मैंने ये बना लिए, दो मैंने हार्ट शेप में बना लिए। अब मैंने तेल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसे मैं अंडे में डिप करूँगी। अंडे में डिप करके अब मैं फ्राई करूँगी। इस तरीके से हम ये सारे कबाबों को तल लेंगे। कटलेट्स कह लें, कबाब कह लें, कुछ भी। इस तरीके से हम ये सारे डाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये फ्राई हो चुकी है। इसकी साइड मैंने पलट दिया था, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ डिश में। ये देखिए व्यूअर्स, ये कबाब बन गए। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वाले शौक से खाएंगे, बच्चे तो यकीनन पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जूसी, देखें अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।